हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक मकज गेमिंग का चैनल। तो भाई लोग, आज फिर से खेलेंगे फार्म सिमुलेटर 22। और भाई, अपनी मशीन है जो करतार बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और भाई, मैं अभी अभी जो खेत से मतलब ठीक करवा के लाया था, तो ये देख सकते हैं भाई, बिल्कुल सेट हो गई है मशीन। बेल्ट सेल्ट हमने डाल ली थी, तो नंबर पता नहीं था भाई, आपने कमेंट करके नंबर बता दिए भाई। उस वजह से जो नंबर है जो मुझे भाई करेक्ट मिल गया, और फिर मैं मार्केट से भाई बेल्ट लेके आ चुका हूँ, और अपना 2255 भी लेके आ चुका हूँ मैं। तो अर्जुन मेरे दोस्त का मैंने यहाँ लगा दिया है, जो खेत में आए थे भाई टोजन डाल के, तो फिर अब कैंसिल हो गया, वहाँ से खींचा नहीं गया। तो 2855 बता दूँ भाई, अब तो मैं स्टोर से भाई लेके आया था अभी। तो इसमें मैंने बता दूँ भाई, चेंजेस भी किए हैं अब ट्रैक्टर में, देख सकते हैं। जो कल की वीडियो आपने देखी नहीं हो तो भाई जाके देख लो। तो यहाँ से डिज़ाइन आपको पता ही था भाई, यहाँ पे नॉर्मल, तो मैंने दो डिज़ाइन और ऐड कर दी, जैसे ये एक, ये और एक कैबन। तो भाई जब गर्मी का सॉरी धूप वगैरह लगे, कुछ लगे, तो भाई एसी भी लगाएंगे इसमें। धूप वगैरह बारिश हो तो भाई कैबन लगा के अपना काम कर सकते हैं। लाइटें लगा दी हमने यहाँ सामने दो, और उसके बाद ये सिंपल है, और ये भाई सिंपल बूफर, और ये बिना उसके, और ये सही लग रहा है। तो ये, और हमने यहाँ पे जो ऐड किया है, एक और ट्रैक्टर ऐड किया है जिसका नाम है भाई स्वराज 744। तो मर्जी है भाई, स्वराज 744 अच्छा लगे या 855, पैसे हमें भाई 855 चाहिए। और यहाँ से हमने एक और चेंज कर दी भाई, कलर वगैरह आपकी मतलब कि बहुत शिकायत आ रही थी कि भाई कलर अच्छे नहीं है, तो भाई जो दिल में आ रहा है वो कलर सेलेक्ट कर रहे थे, जैसे येलो हो गया भाई, ये डार्क फेड येलो, रेड कलर, और भाई वाइट कलर, क्रोम कलर, भाई ऐसे ऐसे कलर है ना, सिल्वर कलर। देखो यहाँ पे कहीं क्रोम भी था, ये देखो भाई क्रोम, देखो यार ये देखो चीज़, देखो भाई एक टायर सभी भाई चेंज हो रहे हैं कलर। तो धीरे धीरे भाई मोड़ का मैं और भी देखूँ, और देखो यार भाई धांसू है मोड़। तो कलर भाई मैंने सभी सेलेक्ट कर दिए जो भी होते हैं भाई ज़्यादातर। ये देखो भाई ब्लैक मस्टैंग के कलर भाई ऐसे होते हैं। तो ये तो ऐसा करते हैं, बाय कर लेते हैं भाई। ब्लू कलर कैसा लग रहा है? ब्लू भी भाई हमें ब्लैक ही दिख रहा है, तो हम भाई चमक चमक वाले, ये कलर सही है। और ये हुड रख लेते हैं, वैसे हुड तो है भाई अपने पास, बिना हुड के भी है, क्योंकि आज करेंगे भाई अपना 855 के साथ काम। और ये देसी भाई, और ये सही है। और ये लाइटों का सिस्टम भाई कामयाब नहीं हुआ, इसको हम फिर से ट्राई करेंगे भाई। आज मैंने बेसिकली भाई इसका काम नहीं किया लाइटों का, और देख लो भाई अपना ट्रैक्टर कितना ज़बरदस्त लग रहा है भाई। व्हील देखो यार सही है भाई, बिल्कुल सही। और अंदर से देख लेते हैं भाई, नाट 11 रिकॉर्ड। तो मेरे में भाई थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम है, आपके मतलब कि हो सकता है कि भाई ये ना हो। ये हो गया भाई अपना 855 स्टार्ट, और ये देखो भाई सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है भाई इनकी लाइटों की है यार, एलईडी लाइट की। देखो तो डालते हैं भाई ट्रॉली, जो बंदे के भीड़ भाई अपने फसल छोड़ी थी वहाँ पे चलते हैं। तो ट्रॉली अपनी भाई छोटी है, वैसे छोटी भाई इसके पीछे अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी हम भाई छोटी लगाएंगे ट्रॉली। लाइटें साइटें दिखाई नहीं भाई आपको मैंने, और अपने चैनल का लोगो भाई लगा हुआ है सामने। लाइटें हमने भाई थोड़ी थोड़ी बाहर निकाल दी है, क्योंकि कैबन जब लगाते हैं तो भाई लाइटें अंदर आ जाती है। तो फिर जैसे सोल्यूशन तो इसका भी है, पर भाई अब मैं यार जल्दी जल्दी काम करता हूँ भाई, मोड मतलब कि आपको पता ही भाई, जल्दी जल्दी बना के ख़त्म करना होता है। तो देखो भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो मोड भाई, जैसे ये 1744 हो गया भाई, जो चीज़ हमें 855 लगेगी भाई वही चीज़ इस पे लग जाएगी। देखो ये देखो नॉर्मल आ गया भाई, ये हुड का, ये देखो भाई ये सिंपल आ गया। तो डिज़ाइन वगैरह तो भाई सही है, और इसके भी कलर यहाँ से चेंज हो जाएंगे। और 855 जो आपका दिल करे, 1735 भी ऐड करने की कोशिश करूँगा यार, जब मॉडल मिल जाए तो। ट्रॉली देखो भाई कितनी छोटी लग रही है अपने 855 के पीछे। यार यार कैमरे का भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार। तो चलते हैं भाई खेत में, अब जो अपने भाई 855 से गेड़े लगाएंगे। न्यू होलैंड में घर में छोड़ आया था,
क्योंकि न्यू हॉलैंड लेके गया था और फिर भाई 855 में लेके आ गया था। अब देखो भाई भागता कैसे 855। भाई इसकी रीस नहीं कोई कर सकता यार ट्रैक्टर यार। इसका कैमरा भाई मुझे पता नहीं, ये देखो भाई। अब चलते भाई उसी खेत में जहाँ से हम, यार मैं तो दूसरी तरफ जा रहा यार, खेत ही भूल गया भाई मैं तो। अच्छा उस तरफ था यार खेत काट जो मैं काट रहा था। स्पीड देखो भाई ट्रैक्टर की, धुआं बिल्कुल ही नहीं है ट्रैक्टर का। किस तरफ काट रहा था भाई मैं, ये देखो यहाँ पर एक गेड़ा लगाया था। थोड़ी सी फसल रहती थी भाई काटने की, मशीन ख़राब हो गई थी भाई उस वजह से हम काट नहीं पाए। ट्रैक्टर को यहाँ पे लगा देते हैं, इंडिकेटर चलते हैं देते हैं और अपनी बार लाइट भी चलती है भाई ऊपर। हम मशीन पे आ गए भाई हम। भाई यार इसका भाई सेटिंग यार हर बार ख़राब हो जाती है यार, रेडियो चेंज गाने वगैरह भाई चेंज करने पड़ते हैं, वो सेटिंग हर बार भाई जो ख़राब हो जाती है। यहाँ पे कहाँ गया भाई क्लच का सिस्टम है, यहाँ पे व्हीकल लाइट का है, रेडियो का आ गया। नेक्स्ट सॉन्ग बैक वाला सॉन्ग, ओके ठीक है भाई। ओ तेरी ओ ओ ए। भाई खड्डा है यहाँ से निकलेगी मशीन आगे भाई, बहुत मुश्किल से अभी ठीक हुई है ये। तो भाई बेल्ट सिस्टम एकदम बढ़िया काम कर रहा है मशीन का। अब भाई रास्ता पता नहीं यहाँ से था क्या, चलती नहीं मशीन। अच्छा गियर भाई न्यूट्रल था, तो भाई आराम से निकालनी पड़ती है मशीन, आपको पता है हैवी होती है। यार मैं फिर उल्टा जा रहा हूँ भाई, हो क्या रहा है मुझे यार, क्योंकि भाई ज़्यादातर खेत हमने इस तरफ काटे हैं तो मेरा भाई दिमाग में वही बात आ रही है। एक तो भाई पेड़ों का कुछ करना पड़ेगा, पिछली बार भी फंस गई थी मशीन तो हम खेत से कटाई करके लगते हैं मशीन की। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं मशीन को, चक्कर वाली कोई बात नहीं भाई। जो माल है भाई मशीन का बीच में ही था, हमने भाई खा ली निकली मशीन। चलो कोई नहीं भाई काट देंगे ऊपर वाली की दोबारा आएगी तो भाई अब कोई प्रॉब्लम ना है यार। साइड के गेट लगाने थे भाई, तो मैं लगा नहीं पाया। भाई रेडियो की आवाज़ ही नहीं सुनती यार, एक तो
भाई देखो आवाज ही नहीं सुनती है। चलो तो कोई नहीं भाई, जितनी भी सुनती है हम सुने यार, इनके स्पीकर भी भाई छोटे हैं यार। भाई मशीन अब साउंड जो पहले से ज़्यादा करने है स्टार्ट करती है। तो ये काट के भाई एक और फसल काटेंगे, छोटा सा खेत बंदे का, उसके बाद वीडियो का एडिट करेंगे, फिर भाई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे यार। बहुत साउंड है यार भाई, कान फाड़ने वाली बात है। भाई अब ट्यूड ही नहीं चल रही है मशीन के पीछे कर रहा हूँ भाई, साउंड ही नहीं सुन रही है उसकी, इसका मतलब भाई खराब हो गया वो। भाई ट्रॉली एक तो हमने लगाई गलत तरीके से यार, चलो कोई नहीं यार, मशीन को घुमा के लगा लेते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं भाई। अपनी ड्राइवरी एकदम ज़बरदस्त वाली है, ये देखो भाई, भाई तुम्हारे की देखो ड्राइवरी भाई पूरी प्रॉपर। थोड़ी सी भाई ऐसा करते हैं, पीछे डालते आगे ना, लो भाई चलो भाई अगला गंदे के खेत काटने। भाई देखते हैं किसका नंबर है, अब नंबर भाई अब हूँ यहाँ पे, ये खेत है भाई, ये मैंने काट नहीं दिया क्या भाई, काट तो दिया यार। भाई अब कौन सा नंबर लगाएं यार, कैनोला है भाई मेरी दोस्त की, वो ही काटे फिर भाई। चलो यार कैनोला ही काटते हैं उसकी, क्योंकि सभी की तो काटनी है यार, चाहे अब 855 में ले जाऊंगा भाई मंडी। भाई रोड से जाने से अच्छा मैं खेतों खेतों से निकल जाऊं। अब पता नहीं भाई रोड में मेरे ख्याल से भाई रास्ता ही नहीं आगे, एक मिनट भाई मेरी मशीन को रोक लूँ मैं यार, यहाँ पे वापस मुड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से, है रास्ता यार यहाँ से, ये देखो ओ तेरी भाई पत्थर सत्थर बहुत है यहाँ पे, और पत्थर सत्थर के बाद तो भाई रास्ता प्लेन है,
पेड़ है यार, मैं इस वजह से ना भाई रोड से लेके जाता हूँ मशीन बार बार भाई, जो पेड़ है जो टकराते हैं मशीन से, रंग वगैरह का खतरा है भाई। इतने पैसे लगाए, अगर रंग उतर जाए एक सीज़न में तो फिर क्या बंदेगा भाई, जिम्मेदार क्या करेगा। चलो 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 भाई, निकल गई मशीन। एक मिनट यार, मुझे भाई इसका हुड कहाँ गया, क्योंकि उसके बिना गियरों का पता नहीं लग रहा भाई कौन से गियर में मशीन चल रही है। लो का पहला, ये मैप किसने ऑन कर दिया, बंदे की फसल में ना जाए। और भाई ओए भाई, अभी मशीन निकल गई, निकल गई, निकल गई। जाने दो भाई, पलट ना जाए ऊपर से, बहुत ज़्यादा मतलब कि तिरछी हो चुकी है मशीन। पर पावरफुल भाई बहुत है करतार यार, वो फंस गई भाई पिछले चक्के, फंस गया यार। एक मिनट गियर बड़ा लगाने दो, निकल गई, निकल गई भाई, पावरफुल है मशीन यार। चलो चलो चलो, निकल गई, निकल गई। यार फिर गलत आ गया भाई, अब भाई जाने दो यार खेत से ही। पक्का है रास्ता भाई यहां से बनाऊंगा। चल 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 मशीन भाई, पूरा एक्सीलेटर दबा के रखा है मशीन। बंदे ने भाई मुझे लग रहा ताज़ा ताज़ा खेत ही लगा, अभी यह है कल्टीवेटर या फसल लगाई है। आ गए भाई खेत में, पाइप थोड़ा आगे करके निकालेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे पेड़ है। यहाँ पे मैं हेल्पर लगा दिया क्योंकि भाई मुझे अब जाना है मंडी ट्रैक्टर लेके, तो फिर बंदे को किराया दे के 17% माल है भाई, ट्रैक्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पीछे हमने लोड लगाया। भाई व्हील देखो यार कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई, ब्लैक कलर में, ब्लैक और वाइट कलर, इसको बोलते हैं भाई चोटा, सेरा ही है भाई पूरा। अब भगा के देखते हैं भाई कितनी स्पीड में भागता है, टॉप गियर ही है भाई इसका, मशीन भी अपनी इस तरफ ही है। देखो भाई ट्रैक्टर की छतरी जो पेड़ों से लग रही है भाई, की मशीन के क्या हालत होगी बताओ। मशीन काट तो रही है ना भाई,
तो लो भाई, हो गई खाली अपनी ट्रॉली। और यार पता नहीं भाई, मैंने भीड़ थोड़ी गिराई है यहाँ पे। मैं बोलने जा रहा था कि भाई पता नहीं कौन पागल भीड़ यहाँ फेंकी है, पर मैंने फेंकी थी भाई। अब मेरे दोस्त का भाई ट्रैक्टर लेके जाएंगे, ट्रॉली डालेंगे, इससे अच्छा भाई मैं घर में जाना ही है तो फिर ट्रैक्टर ही लेके चलते हैं। उसका माल जो मंडी में छोड़ के चलेंगे। एक तो हेल्पर भी भाई बहुत ज़्यादा धीरे चलाता है मशीन। ठीक है भाई, मैं खुद ही चलाता हूँ भाई, इतने में तो भाई शाम हो जाएगी। आई का पहले मैं काट रहा था भूख कहीं का भाई, मशीन हाथ के रोड में बहुत मुश्किल से जा रही थी, ये हाई के पहले में काट रहा है, पाइप भी बंद करके काट रहा है, बताओ। तो भाई एक साइड छूट गई, ये हॉर्न भी भाई ख़राब हो गया रिवर्स का भाई। यार मुझे एक दिमाग में बात हर बार भूल जाती है कि भाई मेरी पाइप बाहर है और मैं बाहर की तरफ गेड़ा लगा देता हूँ यार। अगर बहुत बार हुआ भाई, तो मैं कोशिश करता हूँ भाई इसको मैं दूर दूर ही रखूँ, दिमाग में ये बात बैठानी पड़ेगी कि भाई की पाइप इसकी बाहर है, एक गेड़ा और फिर ख़त्म। ट्रॉली भाई देखो, पूरी देसी ट्रॉली, सिंगल टायर, टायर तो वैसे सिंगल है पर बड़े बड़े हैं। क्लच पे पैर रख रहा है बंदा, उसका सत्यानाश हो भाई, हटा ले पैर अपना। क्यों भाई इसकी क्लच प्लेट की माँ बहने करनी यार, अरे यार उठा नहीं रहा भाई, देखो पैर रखा है उस वजह से क्लच प्लेट भी भाई खराब होगी। अब भाई ऐसा करता हूँ रिवर्स में लगाता हूँ गेड़ा यार, क्योंकि पाइप जो बाहर है अगर गड़बड़ हुई थोड़ी सी तो भाई काम तमाम। भाई बहुत हिस्सा छोड़ दिया मैंने, भाई वो पीछे मैंने देखा ही नहीं भाई, वो भाई जंगल में घुस गई मशीन, पर जाने तो पीछे। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी काटें यार, और भाई शाम का टाइम हो रहा है, अपना पैक सैक लगाने का भी टाइम हो रहा है भाई, आपको पता है मुर्गा पाड़ेंगे आज जाके, मैं और मेरा दोस्त भाई अभी मुर्गा लेके आएंगे, उसकी फसल भी काट दी। देखो बोतल तो भाई रोज़ की तो मेरी एक लगती है यार शाम को, क्योंकि उसके बिना फिर शरीर काम भी नहीं करता अपना। चलो भाई निपटाया बंदे का भी काम अपने दोस्त का,
तो इसके जो फसल थी भाई सभी काट दी। यार ये पता नहीं भाई किसने क्या लगा रखा है। तो भाई निपटाया है इसका भी काम। कहाँ गया भाई ट्रैक्टर अपना? चल 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 चल, भाग भाग भाग। ले भाई रेस दे के भाई थोड़ा सा जल्दी काम खत्म करें। अब जाना है भाई अपना अपना क्या नाम है बंदे का यार, कहाँ काटना यार नाम ही नहीं आ रहा भाई। मुस्तकी 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 के जाना भाई, मुस्तकी के साथ। तो भाई बंदे का नाम है, किसी लड़की का नाम नहीं है, मुस्तकी। उसका जाना भाई वो काटने। तो वो ही है भाई जो आपको पता ही, जहाँ से मैं आया था वहाँ पर ही खेत है उसका भी, मुस्तकी का भी। तो निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी मशीन को लेके। इस तरफ ही भाई उसका घर है मुस्तकी का। भाई यार मशीन ही नहीं चलती है यार बिल्कुल खेत में। अब मुस्तकी का पता नहीं भाई, उसने मुझे बोला नहीं यार मंडी छोड़ना है माल की, घर में गिराना है या खेत में यार उसका। तो कोई चक्कर वाली बात नहीं भाई, जल्दी जल्दी नंबर लगाए बंदे का। मशीन देखो कैसे गोली बनती है भाई। ये आ गया भाई उसका खेत। वैसे मुझे यही काट के जाना था वहां पर भाई दोस्त यारी निभानी पड़ती है आपको पता ही। फिर और कैनोला काट रहा था मैं, उसी वजह से सोचा यार चलो कैनोला के साथ अगला कैनोला का खेत काटा जाए। लगा दिया हेल्पर और मैं चला भाई मंडी। मंडी तो नहीं जाएंगे, मंडी जाना है मुझे लग रहा है भाई। और तो माल तो भाई अपना आधा काम तो निपटा दिया हमने यार। ये किसका खेत है भाई? नींद भी आ रही है। ये भाई एक कनाल जगह है यार बंदे की, इसका बाद में काट देंगे यार। ये भी बोल रहा था भाई काटने को, हो रहा था भाई बस मशीन एक बार घुसाना है और निकालनी है, इतना टाइम लगेगा। मैंने बोला भाई कहने भी तो ऐसे कह देते हैं पर हमें पता है भाई कितना टाइम लग जाता है। बोल रहा था भाई छोटा सा खेत है यार, मशीन है आप लेके जाओ और निकालो भाई। लो ये भी हो गया ख़त्म। तो मुस्तकी के चलते हैं भाई वहाँ पर। वो ट्रैक्टर जाता है छलांगा मारेदा। ट्रैक्टर भाई खेत से लेके चलते हैं यार, ये बाहर से लेके चलते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने घर के पीछे ही काम चल रहा है तो ये भी है यार रास्ता, यहाँ से निकलते हैं। वो यार एक तो भाई इसने एसएमएस सिस्टम का भी, एक मिनट यार एसएमएस सिस्टम चला रखा है यार एसमस। नहीं चलाना यार अगले बंदे ने, तूड़ी बनानी है यार। एक गेड़ा तो भाई कर दिया बेटा कर।
हेल्पर भाई बिकन बुकन सब लाइटें बंद करके चलाता है मशीन यार। कटर बार इसका बड़ा लगता है यार मुझे बाकी कंबाइनों से। भाई यार एक गांव और भी है वहाँ पे यार, वहाँ पे भी जो मुझे आ रहा है भाई फ़ोन आ रहे हैं कि एक मशीन वहाँ पे भेजो। तो वहाँ पे जो मशीन थी भाई वो जो है बंदे बाहर से आते थे, इस बार भाई उनकी मशीन का कुछ मतलब कि सिस्टम था भाई ख़राब हो चुका है, जिस वजह से मशीन भाई टाइम लग जाएगा रिपेयरिंग के लिए। गई है वो तो रिपेयरिंग के लिए क्या गई भाई खेत में, उसका मतलब कि कर दिया मतलब कि चीर फाड़ कर दिया बंदों ने। तो अभी जो आधे बंदों की जो फसल भाई काटने वाली है, तो उस वजह से भाई मुझे मेरे ऐसे कोई रिलेटिव है भाई रहते हैं वहाँ पे, तो जान पहचान है दोस्त की। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई मेरा है एक दोस्त उसके पास मशीन है, तो वो एक मेरे इधर आया है एक भाई मशीन पर। प्रॉब्लम अब ये है कि भाई ड्राइवर नहीं मिल रहा है, जो मैंने ड्राइवर लगाया था वो तो चला गया अपने गांव। तो मशीन घर पे खड़ी है भाई अपनी स्वराज की, उसने बंदे ने धोब वगैरह कर। अब भाई मैं एक अकेला हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ यार, ये मशीन मैं लेके जा सकता हूँ या इसको छोड़ के यहाँ से स्वराज को उठा के भाई वहाँ पे काटने जा सकता हूँ, ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो भी भाई थोड़ा दूर है मेरे घर से, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा दूर है मेरे घर से भाई, उसका वही 2-3 घंटे का रास्ता है। तो मशीन लेके जाना है भाई, फिर आधी तेल की टंकी तो भाई वहाँ से ही ख़त्म हो जाएगी आने जाने में। तो बोल रहे हैं भाई ज़्यादा नहीं वहाँ पे जो है एरिया में मेरे ख्याल से यार, अब दिमाग में बात निकल गई कितने किले बता रहा था कि भाई काटने वाले हैं, 10-15 बता रहा था कि भाई 10 या 15 बता रहा था कि इतने के काम है। तो मशीन मांग रहे थे, अब भाई मैं क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने मुझे बोला था उसने, तो मैंने बोला यार मैं सोच के बताऊँगा क्योंकि अब अकेला हूँ भाई, मैं मशीन चलाऊँ ट्रैक्टर चलाऊँ या उधर चलाऊँ यार, मशीनें तो दो हो गई अपने पास भाई, ड्राइवर नहीं मिल रहा यार। एक ड्राइवर था भाई उसने सीजन लगाया, आधा सीजन तो मैंने लगाया आपने पता ही होगा, अरे यार आधा सीज़न मैंने लगाया, जब ख़त्म हो गया तो भाई वो मशीन मैंने उसको दे दी, मशीन सीज़न ख़त्म करके भाई घर निकल गया। अब पैसे लेके अब मेरे ख्याल से नहीं आएगा वो, क्योंकि घर भी भाई उसका काफ़ी दूर है, तो फिर आपको पता ही 15 किलो के लिए भाई कौन ड्राइवर आएगा। और भाई अगर आएगा तो उसको मुझे तनख्वाह भी जो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, अब भाई इतने में क्या करूँ यार। हेल्पर लगाऊँगा तो हेल्पर भाई सब कुछ खराब कर देगा फसल का। अब मुझे ये याद रखना कि भाई मेरी पाइप है जो बाहर है, यहाँ से मशीन में टर्न कर लेता हूँ। तो उस तरफ भाई चलाते हैं मशीन को, क्योंकि पाइप इसके बाहर की तरफ है, हर बार बकबूल आ जाता हूँ। बेल्टें सल्टें भाई बहुत गर्म होगी मशीन के, अब तो भाई हो 1-2 किले और भी काट सकता हूँ, पर मैं इस वीडियो में भाई अगली वीडियो में बनाऊँगा और फिर चाय वगैरह पी के अगला काम का स्टार्ट करेंगे, तो अगली वीडियो में करेंगे अगले पार्ट में। तो अगली वीडियो जरूर देखनी है भाई, और आज की ये वीडियो भी कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना यार, कि मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई फुल, ये भी कमेंट में बताना।
यार एक तो भाई पंगा, अब मशीन सामने से लेके चलते हैं भाई। अब फिर भाई पाइप बाहर निकल गई, पर मैंने सोचा निकल जाएगी, मशीन निकली नहीं। चल 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 भाई, बहुत ज़्यादा लोड लेके चलती है मशीन यार। ये खेत भाई गीले है यार, पर वेट भी बहुत ज़्यादा यार मशीन का, करतार का आपको पता ही है यार। भाई लिफ्ट नीचे रखी नहीं यार, लो भाई मशीन कर दी बंद। और आज की वीडियो भी यहाँ पे ही करते हैं बंद। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं जल्दी को नई वीडियो लेके। तो जय हिंद, वंदे मातरम।